हेलो भाई मान, एक बार फिर से तो उनका मोरिटी चैनल में स्वागत है। तो मैं नरेंद्र सिंह और मोर साथ में है डुलेश्वर राजवाड़े। तो भाई बना, आज थोड़ा वीडियो खास वाला है, तो हमारे साथ बने रही है, ठीक है। और जहिया मैं जाना था हम पुलिस वाला का फिजिकल का तैयारी का बनाते हैं वीडियो, लेकिन थोड़ा सा टॉपिक है, थोड़ा चेंज कर, कैसे महाराज? एकदम बिल्कुल। और इसमें क्या है कि हम लोग जो फाइनल मैच में जो हम लोग पार्टिसिपेट किए थे, फाइनल पहुंचे थे, ठीक है। और जीते कि नहीं जीते उसको जानने के लिए, और पहली बार आप लोग को देखने को मिलेगा हम लोग को लोकल वीडियो में एक फ़ोन से शूट किया हुआ बहुत ही अच्छे तरीके से, जो आज तक आप लोगों ने किसी ब्लॉग में नहीं देखा होगा, ठीक है। हम लोग इस वीडियो में पूरा देखिएगा तो आप लोग खुद समझ में आ जाएगा, आप लोग बहुत मजा आया, कैसे महाराज? पूरा 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 वीडियो देखिएगा, ठीक है। और सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आमापारा वाले लोगों का, क्योंकि हम लोग का मैच था आमापारा में, वहाँ जितना भी थे, वहाँ के सरपंच वगैरह जितना भी कार्यकर्ता थे, सभी लोगों का शुक्रिया करना चाहूँगा और धन्यवाद करना चाहूँगा कि हम लोग को वहाँ खेलने का मौका मिला। आप लोगों ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया कि शायद वहाँ पे एक ग्राम पंचायत के स्तर पर 16 नहीं 32 टीमों को आप ने आमंत्रण किया था। उस 32 टीम में हमारी अनुजनगर की टीम फाइट करके फाइनल में पहुंची, ठीक है। दो टीम पहुंचा था हम लोग का, अनुजनगर और लाहपटरा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। बहुत ही मजेदार होने वाला है वीडियो, ठीक है, बहुत कुछ दिखेगा। तो सबसे पहले हम लोग के जो प्लेयर हैं, सबसे आप लोग को इंट्रो कराते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आप लोग से मिलता है हम लोग के जर्नी में, चलिए हम लोग के साथ आइए, चलिए सब लोग एंजॉय करते हैं वीडियो को, करते हैं साथ में और वीडियो को पूरा देखिए, पूरा देखिए। तो भाई लोग अभी तक तो जब वीडियो देखे, जो अभी तो जो इंट्रो दिखाया दोनों टीम का, तो मज़ा तो आया होगा। अब मज़ा आया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अभी आने वाला आगे जो वीडियो दिखाने वाला हूँ उसमें भी और भी मज़ा आने वाला है, कैसे महाराज? एकदम बिल्कुल, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है, ठीक है। अभी तो लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए आगे का दिखाते हैं, सबसे मिलवाते हैं। भाई लोग, हम लोग मिलवा दिए आप लोगों को, हमारे जितने भी गेस्ट आए हुए थे उनसे। अब बिना लेट किए हुए तत्काल चलते हैं टॉस की ओर, क्योंकि टॉस बहुत जरूरी है गेम में। सो चलिए टॉस की ओर। धन्यवाद।
सो दोस्तों, टास्क की प्रक्रिया तो कंप्लीट हो गई, अब मिलवाता हूँ मैं आपको अपने कैप्टन कूल से। बहुत मज़ेदार कैप्टन, एकदम बर्फ की तरह, इसीलिए उसका नाम रखे हम लोग कैप्टन कूल। भाई लोग, आप लोगों को कैप्टन कूल कैसा लगा? मजा आया होगा। अब मजा आया होगा तो लाइक कमेंट शेयर सबको ठोकना है, ठीक है। अब आप लोग नेक्स्ट कैप्टन से आप लोग मिलाता हूँ लहपटरा के, ठीक है, फायर कैप्टन विराट कोहली का, जो एकदम फायर रहता है, हमेशा तैयार रहता है, उस कैप्टन से आप लोग को मिलाता है। तो चलिए, दोस्तों हम सभी खड़े हैं राष्ट्र की सम्मान के लिए, और राष्ट्र के सम्मान के लिए हम सभी राष्ट्रगान गाएंगे। तत्पश्चात मैच प्रारंभ हुआ। तो दोस्तों, अब आइए हम सभी मिलते हैं आमापारा क्रिकेट टूर्नामेंट के अध्यक्ष श्री भरोस राजवाड़ी जी से, जो हमारे टीम के साथ साथ लहपटरा टीम का भी उत्साह बढ़ाते हुए अपनी बातों से, ताकि इन दोनों टीमों को बधाई देते हुए आप अच्छे से खेलें और जीत में अग्रसर हों। भाई लोग, ये है हम लोग की टीम, अनुज नगर टीम, जो कि एक विस्फोटक बल्लेबाज के रूप में जानी जाती है और साथ ही एक अच्छी फील्डिंग के तौर पे। तो हमारी टीम, हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि सामने वाले लहपटरा वाली टीम को किस तरीके से हम लोग हराएं, किस बॉलर को हम कहाँ पर यूज करें, किसको ना यूज करें, कहाँ पर स्पिन बॉलिंग करें, ये सब के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। जितने प्लेयर थे, 11 प्लेयर, सब लोग के बीच एक दूसरे का राय जान रहे थे कि कहाँ पर क्या करना चाहिए। दूसरे लहपटरा की टीम के हर एक कमजोरी के बारे में बात कर रहे थे, जिससे क्या है कि लहपटरा की टीम को एक अच्छा टक्कर का मैच दे सके और उन लोगों को हरा सके। तो चलिए आगे देखते हैं। अब दोस्तों, ये हमारा टीम अनुज नगर हीरोज अब बिल्कुल तैयार खेलने के लिए, और ये हैं हमारे आज के मैच के निर्णायक श्री लालचंद राजवाड़े जी, जो स्टंप गाड़ते हुए, और वहीं हमारे दूसरी ओर, और ये रहे हमारे दूसरे एम्पायर श्री मंगलू राजवाड़े जी, वहीं गेंद छाँटते हुए लहपटरा टीम के टीम प्लेयर। बहुत ही सुंदर इन दोनों एम्पायरों का निर्णय, एकदम सोचे समझे और एक सूझबूझ से एम्पायरिंग किया दोनों ने, ताकि कभी भी हम लोग एक मैच नहीं, पांच मैच जब खेले, पांचों मैच में इन्होंने एम्पायरिंग किया था, और इन पांचों मैच में इनका जो निर्णय जो रहा वो कहीं थर्ड एम्पायर से कम नहीं था। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप एम्पायरों का, जिन्होंने कि इतना व्यवस्थित और एक सुंदर ढंग से मैच खिलाया। भाई लोग, ये मैच के टाइम का बीच का छोटा सा क्लिप है, क्योंकि फ़ोन से पूरा वीडियो बनाना संभव नहीं है, इसलिए छोटा सा क्लिप का आपको दिखा रहा हूँ। इस मैच में हम लोग सेकेंड इनिंग का, मतलब हम लोग चेस कर रहे थे, तो फर्स्ट इनिंग में लहपटरा की टीम ने हम लोग को 12 ओवर में 135 रन का स्कोर दिया था और 7 विकेट गिरा था लहपटरा का। और ये है लहपटरा का टीम, और हम लोग की टीम अनुज नगर ने जब चेस करने के लिए जब बैटिंग में उतरे हम लोग, तो हम लोग ने 12 ओवर में 90 रन ही मार पाए,
और बाकी इस मैच में लोहपट्टा की टीम विजयी हुई। और ये दूर दराज से आए हुए हमारे अतिथियों के स्वागत के लिए शैला लोक नृत्य की प्रस्तुति के लिए तैयार हो रहे हमारे भाई बंधु ग्राम सुंदरगंज से, जिन्हें स्पेशल अतिथियों के स्वागत के लिए बुलाया गया था। भाई लोग, जैसे कि डुलेश्वर राजा ने आप लोगों को बताया कि तैयारी कर रहे हैं शैला नृत्य के लिए, इस नृत्य में आप लोगों को बहुत ही खास चीज दिखाने वाला हूं आप लोगों को, ठीक है। आप लोग के शैला नृत्य देख के बहुत ही मजा आने वाला है, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट कीजिए, थोड़ा सा सस्पेंस है, उस शैला नृत्य को देखिए। जिन लोग नहीं देखे हैं उन लोग भी देखिए, आप लोग को बहुत मजा आ गया। हम लोग का सरगुजा का नृत्य, मतलब छत्तीसगढ़ का नृत्य, ठीक है। तो उसका कुछ झलक आप लोग को दिखा रहा हूँ, देख के आप लोग को बहुत ही अच्छा और बेहतरीन लगेगा। तो आइए आप लोग के लिए पेश है। भाई लोग, शैला नृत्य कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और भाई मन तुम यही लोग बताइया, ठीक है, तुम्हें शैला नृत्य खेले जानता कि नहीं जानता, और कभी खेले कि नहीं खेले, और कमेंट करके जरूर बताइया। मैं तो नहीं खेले हूँ, लेकिन तुम खेले हुई तो जरूर एक बार कमेंट करके जरूर बताया, और बाकी वीडियो अभी और देखा। सो भाई लोग, ये जो बैटिंग कर रहे हैं हमारे अपने ही बीच के एक धाकड़ नेता और एक युवाओं के प्रेरणा स्रोत कहा जाए, भैया नरेंद्र यादव जी, जो कि जनपद पंचायत उपाध्यक्ष सूरजपुर से हैं, जो कि छक्का लगा करके सभी दर्शकों, खिलाड़ियों और ग्रामवासियों का मन को मोह लिए, और इनका उसी हिसाब से स्वागत करते हुए समस्त ग्रामवासी। भाई लोग, इस भीड़ को आप देख के अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि कितना यहाँ के जितने आमापारा में लोग रहते हैं, कितना जज्बा है देखने का। और यहाँ पर आए हुए हमारे मुख्य अतिथि नरेंद्र यादव जी का, और साथ ही श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी का, और यहाँ पर आए हुए जितने भी मुख्य सदस्य, ग्राम पंचायत के सरपंच और जितने भी नागरिकगण थे, हमारे मुख्य अतिथि लोगों के साथ बैठे हुए हैं, और साथ ही चमचमाता हुआ ट्रॉफी जो लेने के लिए बेताब हैं, जो जीता हुआ टीम और हारा हुआ टीम भी। लेकिन हार में भी किस तरीके से खुशी मनाया जाता है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। साथ ही यहाँ हमारे प्लेयर अनुज नगर के टीम है, और साथ ही बगल में लोहपट्टा की टीम है, और यहाँ आमापारा की ओर से हमारे भैया नरेंद्र यादव जी को पुष्पगुच्छ से स्वागत करते हुए, साथ ही हमारे नरेंद्र यादव भैया जी का जितना तारीफ किया जाए उतना कम है। साथ ही यहाँ पर जितने भी मेहमान आए हुए हैं सभी लोग का
एक एक करके सभी लोग का पुष्प गुच्छ से स्वागत किया जा रहा है, साथ ही थोड़ा बहुत हंसी मजाक भी हो रहा है हम सब लोगों के बीच में। इसी तरीके से सभी का एक एक करके स्वागत किया जा रहा है। हमारे बीच आए हुए श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी का ग्राम पंचायत आमापाड़ा की ओर से स्वागत करते हुए, साथ ही लक्ष्मी राजवाड़े जी का अपने संस्कार का एक अच्छा उदाहरण देते हुए, जो कि वहां पर आए हुए जितने भी नागरिक थे सभी लोग देख के बहुत ही प्रसन्न हुए। मैं ग्राम पंचायत आमापाड़ा के कमेटी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि उनके मेहनत के बगैर इस तरीके से एक अच्छा प्रोग्राम हो पाना बहुत ही मुश्किल था, और साथ ही हम लोग को आमापाड़ा में खेलने का एक अच्छा अवसर मिला। अगर इस तरीके से प्रोग्राम ना हो पाता तो हमारे मुख्य अतिथि भैया नरेंद्र यादव जी से और साथ ही श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी से मुलाकात कर पाना संभव नहीं था। उन लोगों के बीच में अपना प्रदर्शन दिखाना और साथ ही उनके बीच में रह के उनसे कुछ सीख भी मिली, और साथ ही नरेंद्र भैया जी ने ग्राउंड में जिस तरीके से छक्का मार के सभी लोग का दिल जीत लिया और साथ ही हम लोग का भी दिल जीत लिया, तो हमारे बीच में भैया नरेंद्र यादव जी जैसे नेता का होना बहुत ही ज़रूरी है। साथ यहां पर जितने भी ग्रामवासी हैं सभी लोग का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, और ये हमारी टीम हारने के बावजूद भी आप लोग इनके जो चेहरे फेस एक्सप्रेशन में थोड़ा सा भी आप हार का एक भी कुछ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि उन लोग हार के भी जीतना जानते हैं। हार जीत का मैच लगे रहता है हमेशा, लेकिन आज हारे हैं कल जरूर जीतेंगे। हम लोग का टीम का एक खास बात था कि हारने के बावजूद भी बहुत ही ज़्यादा खुश थे। इसलिए खुश थे क्योंकि हम लोग का टीम एक नया बैच था, नया बैच होने के बावजूद भी फर्स्ट बार हम लोग का टीम बड़ा टूर्नामेंट खेल रहा था, उसके बावजूद भी सेकेंड में रहे, भले ही फर्स्ट ना हो पाए उसके बावजूद ही हम लोग हारने के बावजूद ही जीत का एहसास कर रहे थे, इसीलिए मेरे को अपनी टीम पे बहुत ही ज़्यादा गर्व है। और यहाँ पर हमारे लहपट्रा की टीम जो कि फर्स्ट रही, जो कि इस मैच का विनर बनी और साथ ही ट्रॉफी लेते हुए, और साथ ही हमारे अनुनर की तरफ से दो शब्द बोलने का मौका दिया गया आमापाड़ा की ओर से, तो यहाँ पर हमारी ओर से डुलेश्वर राजवाड़े दो शब्द बोलते हुए और साथ ही हमारे प्लेयर लोग का उत्साहवर्जन करते हुए। उसी बीच हमारे भैया नरेंद्र यादव जी हम लोग के बीच आके डांस किए, जो कि बहुत ही अच्छा लगा, और साथ ही हमारे प्लेयर के बीच में नरेंद्र भैया जी का इस तरीके से डांस करना हम लोग के टीम के लिए बहुत ही खास पल था, और साथ ही मैं अपने टीम की ओर से नरेंद्र भैया जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जो कि हम लोग के बीच में आके डांस किए और एक अच्छा डांस भी दिखाए। आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और साथ ही अपना ख्याल रखिएगा।